पूंगा सुना आपने? पूंगा, पूंगे की लकड़ी सुनी होगी ना आपने, पूंगा जानते हो? हवन कुंड में ज़्यादा यूज होता है, हवन कुंड में आम की लकड़ी, पूंगे की लकड़ी और धौला का लकड़ा लकड़ी जो है ना, हवन कुंड में ज़्यादा यूज होती है ना। इस सीन को बोलते हैं कि हवन कुंड में ये पवित्र चीज़ें मानी जाती है। ये है पूंगा, पूंगे की लकड़ी देख रहे हैं आप, यहाँ से होता है पूंगा, पूंगा और धौले की लकड़ी। ये सामने है, ये धौला है, ये धौला का लकड़ा है, लकड़ी है, ये धौला का पेड़ है। ये देखो ये गर्मियों में ऐसे होते हैं, ये धौला है और ये पूंगा है। इनकी लकड़ी जब पांच लकड़ियाँ मिलती है ना, उसमें पांच से लकड़ी है, धौला है, पूंगा है, आम है और एक दो और भी हैं, तो इन लकड़ियों को मिला के जब हवन कुंड में डाला जाता है, तो हवन कुंड में जो वो ऑक्सीजन घी, गाय का घी जब उसमें हवन कुंड में डालते हैं, तो उससे क्या है, जो नकारात्मक ऊर्जा ये वायुमंडल में होती है वो ख़त्म होती है और क्या है, नई पॉजिटिव ऊर्जा ऑक्सीजन के रूप में जो है मिलती है ना। हमने कहीं हमारे आध्यात्मिक जो से जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्री कृष्ण जी की जो है बातें होती हैं कि जब वो श्री कृष्ण जी सुबह सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो क्या करते थे, गायत्री मंत्र करते थे ना, और गायत्री मंत्र करने के बाद वो हवन करते थे ना, हवन करते थे। तो हवन में वो जो भी सामग्री, हवन की सामग्री होती है, पूंगे की लकड़ी हो गई, धौले की लकड़ी हो गई, आम की लकड़ी हो गई है ना, इन चीज़ों को क्या करते थे, अरे उसके साथ गाय का और उसका हवन देते थे ना, हवन कुंड से, क्योंकि वहाँ वातावरण जो होता है शुद्ध होता है ना। आज इतने जैसे कोरोना है, कोरोना क्यों फैला, क्योंकि सब लोग किस पे डिपेंड हो गए, अब कोई हवन नहीं करता ना। अगर हवन करते सब लोग अपने जो जहाँ हैं थोड़ा हवन करते, तो क्या करते हवन जब करते तो उस हवन की जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो न्यूट्रोजन, नाइट्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वहाँ पे काम नहीं करते। आपने सुना होगा कि जब जापान में जो है, जापान में जो है बम गिराया गया था ना, बम गिराया गया था, वहाँ पे एक इंडियन परिवार रहता था, तो इंडियन कल्चर के हिसाब से अपना जीवन चलाता था, वहाँ पे उनकी गायें थी और उनका जो इंडियन कल्चर था, सुबह उठना, हवन करना और जो भी उनकी पूजा पाठ होती थी, तो उससे पहले जो सैन सफाई करते थे, गाय के, गाय का गोबर और मिट्टी का लीपा पोती करके और उसके बाद हवन करना। तो जब वहाँ पे जापान में हिरोशिमा नागासाकी में कहीं वो बम गिरा था, तो जब वो बम गिरा था तो सारा नुकसान हुआ था, मगर जहाँ उस घर के और उस हवन कुंड के कारण उस घर की इतनी सुरक्षा हुई कि उस बम से, उस बम के वजह से वो घर जो है उसके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बन गया, उस घर को नुकसान नहीं हुआ और वो घर सुख और शांति से रहा ना, इतने उसमें विपदा में भी ना। तो उस हवन कुंड की इतनी महत्ता मानता है, जो हमने पढ़ा है उसके हम अनुसार कह रहे हैं भाई, इस समय हम जंगल में हम आपको बता नहीं सकते कि ऐसा, पर हमने जो पढ़ा है, सुना है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि हवन कुंड की बड़ी महिमा होती है ना, तो ये बहुत अच्छा है हिसाब से का। और ये हम